मैं इसके बाद हज़रत मौलाना वैद साहब से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ये गुजारिश करूंगा कि हज़रत दुआ के लिए तशरीफ़ लाएं और जो फर्स्ट बच्चा इनाम लाया है उसको इनाम भी दे दें। ये जज साहिबान जो फर्स्ट नंबर दिए हैं, हाँ ऋषु भाई से मैं चाह रहा था कि दो मिनट बोलते जो है, लेकिन ऋषु भाई वक्त का ख्याल करते हुए जो है एक बच्चे की तकरीर रह गई है और फर्स्ट इनाम मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसको दे दिया जाए। वो बहुत अच्छी तकरीर भी करता है, हाफिज मोहम्मद वाहिद सल्लमहु मंदे, करे जाओ बेटा, उसकी तकरीर रह गई, बड़ी अच्छी तकरीर भी करता है। और फर्स्ट इनाम जो मोहम्मद अरमान सल्लमहु आए हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह सेम यही इनाम बाद में दे दूंगा अगर आप हजरात कहें तो। जी वो बच्चा बहुत अच्छी तकरीर करता है लेकिन वक्त की बिना पर नहीं कर पाया। फर्स्ट इनाम हाफिज मोहम्मद वाहिद सल्लमहु और हाफिज अरमान सल्लमहु, आप भी आ जाएं ताकि आपको वो इनाम बाद में दिया जाएगा। सेकेंड इनाम मोहम्मद खालिद दरियाबाद, मोहम्मद खालिद दरियाबाद। और एक बच्ची पूरे स्कूल में जो है, पूरे मदरसे में छमाही इम्तिहान में फर्स्ट आई है, उसका भी इनाम है आलिया बानो, वो भी स्टेज पर आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए। और बच्चियों, हाँ ये सेकंड दे दें, खालिद दरियाबाद अरमान थोड़ा सा खड़े हो जाए। मैं आफ्ताब भाई से भी, हाजी मुमताज साहब से गुजारिश करूंगा और इमरान भाई भी अपने मुबारक हाथों से थोड़ा बच्चों को इनाम। आलिया, आलिया बानो, आलिया कहाँ गए? बकिया बच्चों के जिस एतबार से नंबरात है उनके लिए दीवाल घड़ी है। उधर खड़े हो जाए, वहीं खड़े हो जाए, हाथ मिला लो। ये अरमान सल्लमो जो सबसे फर्स्ट आए थे, आप मुसाफा कर लें इंशाल्लाह बाद में आपको फर्स्ट इनाम दिया जाएगा। जी ये पूरे प्रोग्राम में फर्स्ट आए हैं। जी जी मैं ऋषु भाई से चाह रहा था कि एक ही मिनट से बोल दे मेजबान है, मेजबान नहीं किया क्या? दुआ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि कुछ कहा जाए। दुआ अल्लाह से मांगने का नाम है और दुआ के अंदर नहायत इज्ज़ इनकसारी हो, आहुजारी हो, और दुआ चुपके से मांगना बेहतर है। हाँ इतना बता दूं कि अव्वल नंबर पर इन हुफ्फाज़े किराम के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनको कुरान करीम की कदर करने और सीने से जिस तरह इन्होंने सीने में महफूज किया है उसकी खूब खूब तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम हाजरीन को कुरान करीम का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अपने लिए, दोनों जहान की खैर के लिए आप चुप चुप के से दुआ मांगे। एक मिनट मैं अरबी में मुख्तसर सी दुआ मांगूंगा, उसके बाद खामोशी बनाऊंगा, आप भी चुप चुप के मांगिए, मैं भी चुप चुप के मांगूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے مولاي كريم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ خاص طریقے سے حفاظ کرام کو قبول فرما،
फादे कराम रोजाना कम से कम 3 पारा पढ़ने वाले बन जाए ताकि इनका कुरान महफूज रहे और तरावीह में बकायदे सुनाने वाले बने। या अल्लाह इस महफिल के मुनक़िद करने वाले तमाम मुंतज़िमीन को कबूल फरमा और ख़ास तरीके से हमारे मोहतमी हाफिज मंसूर साहब की हिफाजत फरमा और इनकी अल्लाह ताला खूब निगहदाश्त फरमा और इस मदरसे को खूब खूब तरक्की करने का जरिया इनको बना। या अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा करीम। برحمتك يا أرحم الراحمين।